Hello students, welcome back. We will continue with the chapter Life Process in Living Organism, Part 1, Subject Science 2. Okay. Today we will continue with the cell division and essential life process. Okay. Can you tell what happened to the cells of injured tissue? अब देखिए क्या होता है कि अगर टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स नाउ व्हाट हैपन, वी प्रोटेक्ट आवर सेल. उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब सेल्स इंजर्ड होते हैं, टिश्यू इंजर्ड होते हैं, ओके, कोई भी सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ओके, जख्म लगता है या कहीं से भी, ओके, हमारे स्किन पर, तो कुछ टाइम के बाद वो भर जाता है, ओके, तो वहाँ पे नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं. ओके, सो वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इंजरीज. सो इससे क्या होता है कि हमें इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है. ओके, समटाइम्स इट हैपेंस एंड समटाइम इंजरी हैपेंस एंड समटाइम वी गेट प्रोटेक्शन. और अगर इंजरी होती भी है तो उसके बाद नए सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वूंड्स. जख्म हो जाता है उसके बाद नए सेल्स बनते हैं, तो अभी जैसे अभी मैंने बताया कि येस, नए सेल्स बनते हैं. Yes, new cells are formed in that case. Third question, do the plant get injured when do we pluck the flowers? How are those wounds healed? So, iska answer hai yes, they get injured. Aur ye unke jo zakam hote hain, unke jo wounds hote hain, wo kaise heal hote hain, kaise theek hote hain, due to the cell division. Fourth question, how does the growth of any living organism occur? Does the number of cell in the body increases? If yes, how? Yes, इसमें ये है कि number of cell increases. Okay? Yes, ये तो सही बात है कि living organism में cell increase होते हैं. तो किस तरह से उनके cell increase होते हैं body में? Due to the cell division. Answer है. Fifth question, how the new individual of species is formed? From existing one of the same species. एक species से दूसरे existing species, नए species कैसे produce होते हैं? Due to the reproduction. इसका answer है reproduction. Cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Due to this property, only a new organism is formed from existing one. A multicellular organism grows up and emaciated. बॉडी कैन बी रिस्टोर. देखिए हम लोग ने पहले भी देखा था कि सेल डिविजन्स होते हैं, ओके, और फिर नई स्पीशीज बनते हैं, और जब वो नई स्पीशीज बनते हैं तो पहली स्पीशीज में से एग्जैक्टली सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, उसमें वेरिएशंस होते हैं. देर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन एज माइटोसिस एंड मियोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिविजन है माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस अकर इन माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. देखिए सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो बॉडी के होते वो बॉडी से जुड़े होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड स्टेम सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्टेम सेल्स आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेन्स बनाते हैं, जैसे नर्व टिश्यूज है और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गेन, स्टमक, ठीक है, ये सब बनाते हैं ऑफ द बॉडी. वेयर एज द मियोसिस अकर इन द जर्म सेल. मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स में ही मियोसिस होते हैं. जर्म सेल्स का मतलब होता है कि गैमेट्स, ओके, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. बिफोर स्टडी ऑफ द सेल डिविजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस बिसाइड अदर सेल ऑर्गेनेली आर ऑल्सो प्रेजेंट. लेट अस स्टडी द सेल डिविजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो अभी हम लोग सेल डिविजन के बारे में स्टडी करेंगे. Before any type of cell division, the cell double up its chromosomes under presence of its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, then it is double up to 4n. अगर 2n chromosomes होते हैं तो double हो जाते हैं, और double हो जाते हैं उनका 2n का 4n हो जाता है. Okay. देखिए यहाँ पे question है, what is the shape of the chromosome? Give the its name in the figure. तो यहाँ पे जो figure है, ये chromosome का figure है, okay? वी हैव सीन ऑल्सो इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड. तो इसके नाम पहले ये जो बॉक्स है ये फिल कर देते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें लिखेंगे आप पी आर्म, दिस इज पी आर्म, ओके.
ये बॉक्स में आप पी आम लिखेंगे, ओके। सेकंड है सेंट्रोमियर, CENTROMER, सेंट्रोमियर। थर्ड क्यू आम है, क्यू आम। और जो लास्ट है जो अनवाइंड हो रहा है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डीएनए। आप उसको अच्छे से बॉक्स में ही लिखेंगे, ओके। आई डोंट हैव स्पेस, सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर। सो ये पी आर्म फर्स्ट, सेकेंड सेंट्रोमियर जो सेंटर में है, इसके नीचे क्यू आर्म है, और लास्ट जो अनवाइंड हो रहा है वो डीएनए है, ठीक है। अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन टू एन कंडीशन, वेयर सिंगल क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन एन कंडीशन एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक वन शोन इन द फिगर गिवन बिसाइड। देखिए आगे अभी क्रोमोसोम्स के बारे में ये था, अब हम लोग आगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे। उसके पहले ये पेज देखने से पहले आई वॉन्ट यू टू सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ गिवन ऑन द लास्ट दिस ऑन दिस पेज, ओके, पेज नंबर 20। यूज़ योर ब्रेन पावर। जब आप इसके क्वेश्चन के आंसर जान जाएंगे तो माइटोसिस और मियोसिस को समझना आई थिंक सो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले इसके क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स जान लेते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड टू एन सेल? देखिए डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल, डाई मीन्स टू, टू एन सेल। इसका मतलब क्या होता है डिप्लॉयड सेल? क्रोमोसोम्स इसमें डबल हो जाते हैं, ओके। डिप्लॉयड का मतलब इसमें यही होता है कि क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दे गेट डबल, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड सेल? हैप्लॉइड सेल का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसे हैप्लॉइड बोलते हैं, एन सेल्स बोलते हैं। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम? अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? देखिए होमो का मतलब होता है सेम। जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब उसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, ओके, वो दोनों क्रोमोसोम पे सेम टाइप के, सेम शेप होगा दोनों क्रोमोसोम का, उनके ऊपर जो जीन्स होगा वो भी सेम होगा, उनके ऊपर जो डीएनए होगा वो भी सेम होगा, ओके, और एक मेल से होगा और एक फीमेल से होगा, और फिर वो मिलते हैं, फिर गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, वो आगे का प्रोसेस है, ओके। सो दिस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द गैमेट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, व्हाई? देखिए गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है, अभी मैंने बताया आपको, वो डिप्लॉयड नहीं हो सकते। अगर देखिए गैमेट्स डिप्लॉयड होते तो 2N मेल से मिल रहा है, ओके, और 2N फीमेल से मिल रहा है, सो इट बिकम्स 4N, ठीक है। फिर अगले जनरेशन में 4N का डबल हो जाता, ठीक है। अभी आपको पता है कि टोटल देर आर 23 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है, तो 23 का डबल 46 क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फिर 46 का डबल हो जाता है और उसके अगले जनरेशन में, तो ये जो स्पीशीज है, ये जो क्रोमोसोम्स की जो गिनती है, संख्या है, वो बढ़ती जाती, और इसके कारण स्पीशीज में जो आगे की जनरेशन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। इसके लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी, जो गैमेट्स होते हैं वो कभी भी डिप्लॉयड नहीं होते, वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो एक एन, एक मेल से मिल रहा है और एक फीमेल से मिल रहा है, ओके, वन from male that is N and one from the female that is N, so it becomes 2N, okay। So इस तरह से human species में chromosomes जो होते हैं वो 23 pairs में होते हैं, ठीक है, 23 pairs होते हैं उनके chromosomes के, तो वो fix होते हैं, वो change नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे ही दूसरे organism में chromosomes अलग हो सकते हैं, ठीक है, उन सो haploid हमेशा gametes जो होते हैं वो उसका answer है haploids होते हैं, ठीक है। और आंसर अभी मैंने बताया, बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम्स एंड बिकॉज ऑफ द मियोसिस, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यों, रीज़न क्या है? बिकॉज उनके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड है तो सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, और ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जर्म सेल्स या जो गैमेट्स बनते हैं वो हमेशा मियोसिस की मदद से बनते हैं, माइटोसिस की नहीं। सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ हाउ आर द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म? हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, बिकॉज सेल डिवीजन की मदद से। हैप्लॉइड सेल्स कैसे बनते हैं? मियोसिस का जो सेल डिवीजन होता है उनकी मदद से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, आंसर। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल? देखिए हैप्लॉइड सेल का इम्पोर्टेंस क्या है?
देखिए अभी मैंने आपको यही इम्पोर्टेंस बताया। देखिए हैप्लॉइड सेल्स होंगे तो एन का डबल होता है 2N, ठीक है। तो उनके जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए हैप्लॉइड सेल्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हैप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एन होते हैं, और जब उनके गैमेट्स बनते हैं, फिर उनके गैमेट्स बनते हैं, और वहाँ से फिर वो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं, दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। उनके हैप्लॉइड सेल के वजह से जो संख्या है क्रोमोसोम्स की वो बढ़ती नहीं है। तो तो वेरिएशंस आते हैं स्पीशीज में, लेकिन कम आते हैं वेरिएशंस, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती जनरेशन में। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स। तो आप यही इम्पोर्टेंस लिखेंगे दैट द क्रोमोसोम्स आर एन एंड दे आर फॉर्मिंग गैमेट्स, ओके, एंड फ्रॉम द गैमेट्स द एम्ब्रियो इज फॉर्म, ओके। सो दिस आर द सम क्वेश्चंस विच वी शुड नो, ओके, आंसर्स उसके पता होने चाहिए बिफोर स्टडिंग विद द मियोसिस, ताकि आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोसिस के बारे में। पहले माइटोसिस क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है। देखिए सोमेटिक सेल्स, अभी मैंने जैसे बताया द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, बॉडी का एक पार्ट होता है, दूसरे एम्ब्रियो स्टेम सेल। अब स्टेम सेल से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एंड एम्ब्रियो में फिर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेन्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, स्टमक है, ठीक है, ये सब बनते हैं उनसे, डिवाइड बाय द माइटोसिस। ये दोनों सेल्स किससे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस, मतलब माइटोसिस उनको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंपेयर्ड टू द टू मेन टाइप्स, दो मेन स्टेप होते हैं उसमें, दोस टू स्टेप्स आर कैरियोकिनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकिनेसिस इज कंप्लीटेड थ्रू द फोर्थ स्टेप। देखिए दो स्टेप होते हैं माइटोसिस में आगे जाके, एक तो कैरियोकिनेसिस मतलब उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, और दूसरा है साइटोकिनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ओके। कैरियोकिनेसिस आगे जाके चार स्टेप में डिवाइड होता है, लेट अस सी व्हाट आर दिस फोर स्टेप। पहला स्टेज है प्रोफेज, ठीक है, प्रो का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है, ये जनरली प्रोटोजुआ में पाए जाते हैं, प्रोटोजुआ में होता है ये स्टेप्स एनिमल्स में। प्रोटोजुआ का मतलब होता है प्रो मतलब फर्स्ट, जुआ मतलब एनिमल, ओके। इन प्रो फेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स, ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयरिंग अलोंग देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइट्स। देखिए क्या होता है कि इनिशियली प्रो फेज स्टेज में क्रोमोसोम्स बिल्कुल दिखते ही नहीं, ओके, इट इज़ वेरी वेरी थिन स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें मांझा जो रहता है पतंग का, ठीक है, जब उसको हम लोग वाइंड करेंगे तो मांझा आपको दिखेगा, जब हम लोग उसको अनवाइंड करेंगे तो बहुत एकदम स्लाइटली आपको दिखता है, ओके। तो वैसे ही एकदम शॉर्ट और थिक हो जाता है प्रोफेज स्टेज में, कंडेंस हो जाता है, टू अपियर अलोंग विद द पार्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइट्स। सेंट्रोल सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाले स्टेज में पहले जेनेटिक मटेरियल से शुरू होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में आपको कुछ क्रोमोसोम्स दिखेंगे ये वाले जो पार्ट में, ठीक है, जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेज में उनका शेप जो है वो चेंज होना चालू हो जाता है। ये प्रोफेज में मेटाफेज में अलग शेप उनका मीन्स यू कैन से द डायमेंशन स्टार्ट चेंजिंग। नाउ लेट अस सी हाउ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोफेज में और न्यूक्लियस जो होता है प्रोफेज में वो डिसअपियर हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज मेटाफेज, अब आप देखेंगे मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स कम्प्लीटली देयर कंडेंस एंड कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग देयर सिस्टर क्रोमेटाइट्स। अब आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगे हैं ये वाले स्टेज में, ठीक है, मेटाफेज के स्टेज में आपको क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखाई देने लगे हैं, ठीक है, एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद द सिस्टर क्रोमेटाइट। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रोपी। आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला जो मैं अगर आपको मार्क करके बता दूँ, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये जो लाइन, ये सब, ये देखिए ग्रीन वाला भी आपको क्लियर दिख रहा है, ये सब,
अगर आप जूम करके देखेंगे आपको दिखेगा ये सब। तो ये सब क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, जो अब आपको इसमें दिखने लगे हैं, विच आर फॉर्म ओके बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम के, उसके बीच में, हर एक सेंट्रोमियर के बीच में ये स्पिंडल फाइबर बनने लगे हैं, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज में मेटाफेज में हो रहा है। अब एनाफेज, इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब आप देखिए कि आगे देखिए मेटाफेज में इस तरह से क्रोमोसोम से अब ये अलग होने लगे, ठीक है। ये देखिए ये गैप हो गए, देखिए अलग हो रहे हैं। ये क्यों अलग हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए एरो आपको दिख रहा है पेन का, ये स्पिंडल फाइबर्स और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है ये दोनों ये क्रोमोसोम्स को खींचने लगे हैं और बीच में देखो गैप आने लगा है एनाफेज में। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए एनाफेज में बीच में गैप आने लगे हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम्स। फिर ये डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं इनके। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ ब्रांच बंच ऑफ बनानास। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। बाद में ये पोल्स के पास पहुंच जाते हैं बनने के बाद, ठीक है, एनाफेज के स्टेप में। टेलोफेज दैट इज द लास्ट स्टेप। द क्रोमोसोम व्हिच हैव रीच्ड एट द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल now start to decondense due to which they they again become a thread like thin and invisible। अब यहाँ पे आपको फिर से क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, ये देखिए ये जब ये टेलोफेज में तक ठीक थे, ठीक है, एनाफेज तक ठीक थे, अब जब टेलोफेज में आ रहे तो धीरे धीरे देखिए ये क्रोमोसोम्स आपको गायब हो रहे, डिसअपीयर। और ये स्टेज में देखिए आपको यहाँ पे ये स्टेज में जो लास्ट डायग्राम है इसमें तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे क्रोमोसोम्स, ओके, इनविजिबल हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द पोल्स। थस टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म इन अ सेल। बाद में दो डॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, जैसा भी हमने देखा पिक्चर में, 2n 2n। न्यूक्लियोस ऑल्सो डिसअपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कम्प्लीटली डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर्स तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको, जो पहले मेटाफेज में दिख रहे थे, एनाफेज में दिख रहे थे, उसके बाद टेलोफेज में तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। इन दिस वे कैरियोकिनेसिस कंप्लीट एंड साइटोकिनेसिस बिगिन। यहाँ पे कैरियोकिनेसिस कंप्लीट होता है चार स्टेप में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद कैरियोकिनेसिस शुरू होता है, कैरियोकिनेसिस। द साइटोप्लाज्म, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, डिवाइड्स बाय द कैरियोकिनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है बीच में, दो सेल के बीच में, जैसे खाच जिसे बोलते हैं। ये धीरे धीरे डिवाइड होते हैं और गैप इस तरह से बनने लगता है, ये देखिए आप, ये एरो बताएं यहाँ पे नीचे की तरफ। अ नॉच इज फॉर्म एट द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड हियर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। इसके वजह से कौन से क्या दो नए सेल बनने लगते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ द नॉच अ सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल एंड थस द साइटोकिनेसिस इज कंप्लीटेड। सेल प्लांट में सेल वॉल होते हैं, ठीक है, सेल प्लेट का डिवीजन होता है, जबकि यहाँ पे नॉच होता है साइटोकिनेसिस। माइटोसिस इज कंप्लीट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बहुत जरूरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए, माइटोसिस का होना बहुत जरूरी है। बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इमेशिएटेड बॉडी, वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एक्सेट्रा। देखिए कभी होता है बॉडी में, बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, बॉडी को बनाने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, जख्म हो जाता है तो उसको हील करने के लिए माइटोसिस की जरूरत है, ठीक है, ब्लड सेल बनाता है माइटोसिस। सो ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय द माइटोसिस सेल डिविजन्स। अब यहाँ पे देखिए मियोसिस इज कम्प्लीटली थ्रू द टू स्टेजेस, दोस टू स्टेजेस आर मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। दो स्टेज है अब मियोसिस के, माइटोसिस के बारे में अभी हम लोग ने देखा, अब मियोसिस के बारे में, ठीक है। इन मियोसिस वन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयरफॉर देयर आफ्टर दोस होमोलोगस क्रोमोसोम नॉट अ सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड थस टू हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म। अभी हमको पता ही है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हैप्लोइड सेल ही फॉर्म होते हैं, दो हैप्लोइड सेल फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जर्म सेल्स, ओके, जर्म सेल्स मीन्स गैमेट्स आर फॉर्म इन मियोसिस, ओके।
सो दिस इज डन ओनली इन द मियोसिस, नॉट इन माइटोसिस। तो किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, देखिए पहला हम लोग इसको समझते हैं, ये फिगर को, मियोसिस फिगर 2.8, मियोसिस पार्ट 1। देखिए पहला स्टेप है प्रोफेज, जो 5 स्टेप में आगे जाके डिवाइड हुआ है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये सबके अलग अलग नाम है, लेप्टोनाइन, जाइगोटाइन, फिर इसे बोलते हैं पैकीटाइन, ओके, दिस इज डिप्लोटाइन, एंड जो लास्ट वाला है डाइकिनेसिस, ये फिफ्थ वन डाइकिनेसिस, ठीक। इसके बाद ये है मेटाफेज 1, ये एनाफेज 1, और ये टेलोफेज 1। इस तरह से वो 5 स्टेप में डिवाइड होते हैं। तो हम लोग एक एक नाम देखते हैं, देखिए पहला फर्स्ट स्टेप है दैट इज लेप्टोटिन, ठीक है, लेप्टोटिन। आप इस चाहिए तो इसका नाम भी, स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मैं स्पेलिंग बता दूँ इसके फर्स्ट स्टेज का, लेप्टोटिन, LEPTOTINE, लेप्टोटिन इसका नाम है, ये फर्स्ट स्टेज का, ये वाले का लेप्टोटिन, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इन द लेप्टोटिन, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आप ये लेप्टोटिन में स्पिंडल शेप क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं, ब्लू एंड ऑरेंज, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली दूर दूर है, अलग अलग है, ठीक है, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स को। सेकेंड स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं जाइगोटिन, ZYGOTENE, जाइगोटिन, ओके। तो जाइगोटिन में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये अरेंज हो गए पेयर्स में, ये देखिए ये अरेंज हो गए, ये देखिए ये पेयर्स में अरेंज हो गए, ये भी पेयरिंग में अरेंज हो गए, दो दो का, एक देखिए ऑरेंज और ब्लू एक पेयर हो गए, ऑरेंज और ब्लू एक पेयर हो गए, पेयरिंग्स में अरेंज हो गए थे, ओके, दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप देखिए इसका नाम है पैकीटाइन, PACHYTENE, पैकीटाइन, ठीक है, PACHYTENE, पैकीटाइन। अब पैकीटाइन में क्या होता है कि नए जीन्स बनने लगते हैं, और नए जीन्स जब बनते हैं तो उसमें वेरिएशंस आपको मिलते हैं, ताकि जब पेरेंट्स से डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स की जैसे बिल्कुल नहीं दिखता, उसमें कुछ वेरिएशंस आपको दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके वजह से, पैकेटिन की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर वाइंड हो चुके हैं, ठीक है, ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, देखिए रेड ब्लू पे क्रॉस कर रहे हैं, ब्लू रेड पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके वजह से जीन्स में वेरिएशंस आते हैं, ये थर्ड है। फोर्थ है, फोर्थ स्टेज ये वाला, ये जो फोर्थ नंबर है उसका नाम है डिप्लोटीन, लिख सकते हैं डिप्लो, DIPLOTENE, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स सेपरेट होने लगते हैं फ्रॉम द सेंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोटीन में फोर्थ स्टेज में कि क्रोमोसोम्स यहाँ से देखिए सेपरेट होने लगते हैं, ये देखिए सेंटर पार्ट से, ये देखिए रेड और ब्लू में देखिए हल्का सा आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सेंटर में से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये फोर्थ स्टेज में होता है, और जो लास्ट स्टेज है दैट इज फिफ्थ स्टेज प्रोफेज का, इसका नाम है डाइकिनेसिस, डाइकिनेसिस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया, देखिए ये जो व्हाइट कलर है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन फिफ्थ स्टेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है इन दिस स्टेज दैट इज डाइकिनेसिस, ठीक है। तो ये प्रोफेज के 5 स्टेप्स है स्टार्टिंग के मियोसिस के। इसके बाद मेटाफेज में चला जाता है, मेटाफेज 1, वहाँ पे स्पिंडल शेप आपको दिखने लगता है और क्लियरली, फिर मेटाफेज से एनाफेज, यहाँ पे आप देखेंगे एनाफेज में
कि एक दूसरे के साथ वो कम्प्लीटली जुड़ चुके हैं क्रोमोसोम्स, जो पहले अलग अलग थे, फिर पेयरिंग हुआ है, फिर क्रॉसिंग हुआ, फिर धीरे धीरे सेंटर से डिवाइड होने लगा और अब ये लोग एग्जैक्टली जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, रेड और ब्लू आप देख सकते हैं एना फेज में, और टेला फेज में आपको कम्प्लीटली ऑल्टरनेट एक रेड एक ब्लू आपको दिखेगा। ठीक है, कम्प्लीटली। तो ये पूरा स्टेप्स जो होता है, दैट इज मियोसिस पार्ट वन। ओके, वैसे ही अगर आप देखेंगे मियोसिस पार्ट टू में, फिर आगे जाके यही जो आप यहाँ पे देखिए, ये जो टेलोफेज में जो दो सेल्स बने थे, फिर वो आगे जाके चार सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, देखिए इस तरह से। ओके, दैट इज़ द मियोसिस पार्ट टू। उससे वजह से न्यू जेनेटिक जीन्स बनते हैं, न्यू वेरिएशंस आते हैं। ओके, मियोसिस टू इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। मियोसिस टू जो था वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह था। ठीक है, मियोसिस टू, ये वाला जो मियोसिस टू है ना, ये वाला जो ये पार्ट है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मियोटोसिस जस्ट लाइक अ माइटोसिस, इन दिस स्टेज द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म इन मियोसिस वन, अंडरगो द डिवीजन बाय द सेपरेशन ऑफ री कंबाइंड सिस्टर क्रोमोटाइट्स एंड फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था, दो था। ठीक है, इसके बाद दो का, फिर यहाँ पे चार हो गया, देखिए 1 2 3 4 इन द मियोसिस सेकेंड पार्ट में। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय द मियोसिस, ये मियोसिस के वजह से ही होता है। ओके, गैमेट का प्रोडक्शन या स्पोर फॉर्मेशन माइटोसिस के वजह से नहीं। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन फोर हैप्लॉइड दैट इज डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन डिप्लॉयड सेल। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड थेयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर। इसके वजह से जेनेटिक में जो वेरिएशंस आते हैं, इनके वजह से दिखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस ऑल फोर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। इसके वजह से जो पेरेंट्स से जो जीन्स होते हैं, जो नए स्पीशीज आते हैं, वो पेरेंट्स के सिमिलर दिख सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं दिख सकते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। और ये जो है, ये वाला जो ट्राई दिस, ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, बाद में हम लोग इसको करेंगे। ओके, वी हैव टू डू दैट प्रैक्टिकली लेटर, एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। ओके, इसको अच्छे से आप वीडियो को देख लीजिए फिर से एक बार। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, एंड नेक्स्ट वील कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नाउ व्हाट हैपेंड, वी प्रोटेक्ट आवर सेल। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब सेल्स इंजर्ड होते हैं, टिश्यू इंजर्ड होते हैं। ओके, कोई भी सेल ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ओके, जख्म लगता है या कहीं से भी, ओके, हमारे स्किन पर, तो कुछ टाइम के बाद वो भर जाता है। ओके, तो वहाँ पे नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सो वी प्रोटेक्ट आवर सेल फ्रॉम द इंजरीज। सो इससे क्या होता है कि हमें इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, समटाइम्स इट हैपेंस एंड समटाइम इंजरी हैपेंस एंड समटाइम वी गेट प्रोटेक्शन। और अगर इंजरी होती भी है तो उसके बाद नए सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वूंस। जख्म हो जाता है उसके बाद नए सेल्स बनते हैं, तो अभी जैसे अभी मैंने बताया कि येस, नए सेल्स बनते हैं, येस न्यू सेल्स आर फॉर्म इन दैट केस। थर्ड क्वेश्चन, डू द प्लांट गेट इंजर्ड वेन डू वी प्लग द फ्लावर्स, हाउ आर दोज वूंस हील्ड। तो इसका आंसर है येस, दे गेट इंजर्ड। और ये उनके जो जख्म होते हैं, उनके जो वूंड्स होते हैं, वो कैसे हील होते हैं, कैसे ठीक होते हैं, ड्यू टू द सेल डिवीजन। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर, डज द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी इंक्रीजेस, इफ येस हाउ। यस, इसमें ये है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। ओके, यस, ये तो सही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल इंक्रीज होते हैं, तो किस तरह से उनके सेल इंक्रीज होते हैं बॉडी में, ड्यू टू द सेल डिवीजन आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीशीज। एक स्पीशीज से दूसरे एग्जिस्टिंग स्पीशीज, नए स्पीशीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू द रीप्रोडक्शन। इसका आंसर है रीप्रोडक्शन।
सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड इमेशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर. देखिए, हम लोग ने पहले भी देखा था कि सेल डिविजन्स होते हैं, ओके, और फिर नई स्पीशीज बनते हैं. और जब वो नई स्पीशीज बनते हैं तो पहली स्पीशीज में से एग्जैक्टली सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, उसमें वेरिएशंस होते हैं. देर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एज माइटोसिस एंड मियोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. देखिए, सोमैटिक सेल्स जो होते ठीक है वो बॉडी के होते वो बॉडी से जुड़े होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड स्टेम सेल्स जो होते हैं ठीक है, वो स्टेम सेल्स आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेन्स बनाते हैं, जैसे नर्व टिश्यूज है और भी बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गेन, स्टमक ठीक है, ये सब बनाते हैं ऑफ द बॉडी. वेयर एज दी मियोसिस अकर इन द जर्म सेल. मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स बनाते हैं ठीक है, जर्म सेल्स में ही मियोसिस होते हैं. जर्म सेल्स का मतलब होता है कि गैमेट्स, ओके, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. बिफोर स्टडी ऑफ द सेल डिविजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर. ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस बिसाइड अदर सेल ऑर्गेनेली आर ऑल्सो प्रेजेंट. लेट अस स्टडी द सेल डिविजन विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो अभी हम लोग सेल डिविजन के बारे में स्टडी करेंगे. बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिविजन द सेल डबल अप इट्स क्रोमोजोम्स अंडर प्रेजेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियस. दैट इज इफ क्रोमोजोम नंबर इज 2n देन इट इज़ डबल अप टू 4n. अगर 2n क्रोमोजोम्स होते हैं तो डबल हो जाते हैं, और डबल हो जाते हैं उनका 2n का 4n हो जाता है. ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रोमोजोम, गिव द इट्स नेम इन द फिगर. तो यहाँ पे जो फिगर है ये क्रोमोजोम का फिगर है, ओके, वी हैव सीन ऑल्सो इन द 9th स्टैंडर्ड. तो इसके नाम पहले ये जो बॉक्स है ये फिल कर देते हैं ठीक है. तो फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें लिखेंगे आप पी आर्म, दिस इज पी आर्म, ओके. ये बॉक्स में आप पी आर्म लिखेंगे, ओके. सेकेंड है सेंट्रोमियर, सी एन टी आर ओ एम ई आर ई, सेंट्रोमियर. थर्ड क्यू आर्म है, क्यू आर्म. और जो लास्ट है जो अनवाइंड हो रहा है ठीक है, दैट इज नथिंग बट डी एन ए. आप उसको अच्छे से बॉक्स में ही लिखेंगे, ओके, आई डोंट हैव स्पेस सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर. सो ये पी आर्म फर्स्ट, सेकेंड सेंट्रोमियर जो सेंटर में है, इसके नीचे क्यू आर्म है, और लास्ट जो अनवाइंड हो रहा है वो डीएनए ठीक है. अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन टू एन कंडीशन, वेयर सिंगल क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन एन कंडीशन एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक वन शोन इन द फिगर गिवन बिसाइड. देखिए, आगे अभी क्रोमोजोम्स के बारे में ये था, अब हम लोग आगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे. उसके पहले, ये पेज देखने से पहले, आई वॉन्ट यू टू सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज गिवन ऑन द लास्ट दिस ऑन दिस पेज, ओके, पेज नंबर 20. यूज़ योर ब्रेन पावर. जब आप इसके क्वेश्चन के आंसर जान जाएंगे तो माइटोसिस और मियोसिस को समझना आई थिंक सो ईजी हो जाएगा आपके लिए ठीक है. तो पहले इसके क्वेश्चन के हम लोग आंसर्स जान लेते हैं. यूज़ योर ब्रेन पावर. वॉट डू यू मीन बाई डिप्लॉयड टू एन सेल. देखिए, डिप्लॉयड का मतलब होता है डबल, डाई मीन्स टू, टू एन. इसका मतलब क्या होता है डिप्लॉयड सेल? क्रोमोसोम्स इसमें डबल हो जाते हैं, ओके. डिप्लॉयड का मतलब इसमें यही होता है कि क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, दे गेट डबल, ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय हैप्लॉयड सेल? हैप्लॉयड सेल का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है, जिसे हैप्लॉयड बोलते हैं, एन सेल्स बोलते हैं. थर्ड, व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम? अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, होमो का मतलब होता है सेम. जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब उसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, ओके, वो दोनों क्रोमोसोम पे सेम टाइप के, सेम शेप होगा दोनों क्रोमोसोम का, उनके ऊपर जो जीन्स होगा वो भी सेम होगा, उनके ऊपर जो डीएनए होगा वो भी सेम होगा, ओके.
और एक मेल से होगा और एक फीमेल से होगा, और फिर वो मिलते हैं, फिर गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, वो आगे का प्रोसेस है. ओके, सो दिस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द गैमेट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, व्हाई? देखिए गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होता है, अभी मैंने बताया आपको, वो डिप्लॉयड नहीं हो सकते. अगर देखिए गैमेट्स डिप्लॉयड होते तो 2n मेल से मिल रहा है, ओके, और 2n फीमेल से मिल रहा है, सो इट बिकम्स 4n. ठीक है, फिर अगले जनरेशन में 4n का डबल हो जाता. ठीक है, अभी आपको पता है कि टोटल देर आर 23 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन स्पीशीज. ठीक है, तो 23 का डबल 46 क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, फिर 46 का डबल हो जाता है और उसके अगले जनरेशन में. तो ये जो स्पीशीज है, ये जो क्रोमोसोम्स की जो गिनती है, संख्या है, वो बढ़ती जाती, और इसके कारण स्पीशीज में जो आगे की जनरेशन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी. इसके लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी, जो गैमेट्स होते हैं वो कभी भी डिप्लॉयड नहीं होते, वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं. ठीक है, तो एक एन, एक मेल से मिल रहा है और एक फीमेल से मिल रहा है. ओके, वन फ्रॉम मेल दैट इज एन एंड वन फ्रॉम द फीमेल दैट इज एन, सो इट बिकम्स 2n. ओके, सो इस तरह से ह्यूमन स्पीशीज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं. ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स के, तो वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते. ठीक है, वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स अलग हो सकते हैं. ठीक है, उन